नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पकवान गली में। किसी भी सब्जी का स्वाद बढ़ाने के लिए लहसुन मिर्च बहुत ज़रूरी होते हैं, अदरक भी डाली जाती है। लहसुन बहुत बढ़िया होती है, हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है और गर्मी भी देती है। तो इसी लहसुन की सब्जी की रेसिपी मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ। तो आइए फटाफट बिना किसी देरी के देखिए कैसे बनती है लहसुन की सब्जी। तो लहसुन की सब्जी बनाने के लिए मैंने लहसुन की पोथी ले रखी है। ये बड़ी साबुत लहसुन की पोथी है, मैंने इसे छील कर साफ कर लिया है, पहली परत उतार ली है। अब करना क्या है कि इन्हें एक साफ पानी में मैं धो लेता हूँ। तो ये मैंने डालकर बढ़िया तरीके से धो लिया है। और इनके जो पीछे वाला हिस्सा होता है, क्योंकि मिट्टी जो लगी होती है पीछे वाले हिस्से पर होती है, तो मैंने इसे साफ कर दिया है चाकू से, बढ़िया तरीके से फाइन करके मैंने इसे निकाल दिया है। तो ये लहसुन बढ़िया तरीके से हो गई, धो लिया है। अब देखिए इन लहसुन की पोथियों को किस पर रखना है। तो मैंने लिया हुआ है इडली मेकर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ये इडली मेकर में पोथियाँ रखनी है मुझे। तो अब इन पर जाएगा नमक थोड़ा सा और हल्दी। तो नमक लिया है, थोड़ा थोड़ा नमक डालूंगा मैं इन पर। ये नमक डाल दिया, हल्दी, ज़्यादा हल्दी नहीं, थोड़ी थोड़ी हल्दी डालेंगे। अब ये इडली मेकर मैंने लिया हुआ है, तो स्टीम करेंगे हम पहले लहसुन की जो पोथी हैं, साबुत लहसुन है, उसे स्टीम करेंगे। तो स्टीम करने के लिए पानी ले रहा हूँ, एक कप पानी डाल दिया है। पानी में ये जाएगा पूरा इडली वाला स्टैंड और हम इसे कर देंगे बंद। बंद करके 10 से 12 मिनट तक हम लहसुन को स्टीम करेंगे। मीडियम फ्लेम पर स्टीम करना है, तेज़ आंच नहीं रखेंगे। तेज़ आंच पर अगर बॉईल करेंगे, स्टीम करेंगे, तो पानी जो है वो उबल कर लहसुन के ऊपर भी आ जाएगा। तो ये स्टीम कर लेते हैं। अगर कुकर ले रहे हैं तो कुकर में एक दो बर्तन रख दीजिए, कटोरी रख दीजिए, उस कटोरी के ऊपर फिर दूसरी कटोरी रखिए और उन पर लहसुन रखकर ढक्कन बंद करके 3 से 4 सीटी लगा लीजिए। तो मैंने स्टीमर लिया हुआ है, अब इसे 10 से 12 मिनट तक स्टीम करते हैं। एक लहसुन उठाकर देखता हूँ, ये देखिए, और एक कांटा वाला चम्मच लिया हुआ है, ये देखिए। इसे कुल मिला के हम, ये देखिए एक निकल गया है, मुलायम देखना है कि ये हुआ है। ये देखिए छीलने पर पूरा ऐसा, इसका मतलब लहसुन बढ़िया तरीके से बॉईल हो चुके हैं। और एक कढ़ाई रखता हूँ मैं, कढ़ाई को मीडियम आंच पर हम गरम करेंगे। इसमें तेल डाल रहा हूँ, तेल कितना जाएगा देख लीजिए, 2 से 3 बड़े चम्मच तेल में डाल रहा हूँ, क्योंकि हमें ग्रेवी तैयार करनी है लहसुन वाले सब्जी की। अब जैसे तेल गर्म हो जाएगा फिर हम आगे की प्रिपरेशन तैयार करेंगे। तो अब तेल गर्म हो चुका है, तो देखिए तेल में क्या क्या जाएगा, बारी बारी से देखते जाइए। तो हींग डाल दी मैंने, राई, जीरा, हरी मिर्च, 2 हरी मिर्च बारीक काट ली है, लहसुन आप देख रहे हैं 2 बड़े चम्मच बारीक काट लिया है, तो लहसुन डाल दिया। और इन सब चीज़ों को बढ़िया तरीके से मिक्स करते हुए पकाएंगे, भूनेंगे। लहसुन बड़ी बड़ी है तो साथ में मैं इसमें डाल दे रहा हूँ प्याज, 2 प्याज ली हैं बारीक काट ली हैं, तो प्याज भी डाल देंगे। बढ़िया तरीके से मिक्स करेंगे। प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है, तलना है, पकाना है। तो बढ़िया तरीके से चलाते हुए मिक्स कर दें, ये देखिए। तो अब बारी है फटाफट इसमें कुछ और चीज़ें डालने की, जैसे अदरक छोटे टुकड़ों में काट लिया है, अदरक भी ऐड कर दिया मैंने इस पर, हल्दी,
आधा छोटा चम्मच हल्दी डाल दी, नमक स्वाद अनुसार नमक, तो ये एक छोटा चम्मच नमक मैंने डाल दिया है। अब इसमें मैं डाल रहा हूँ टमाटर की प्यूरी, इसे मैंने बनाया हुआ है, तो देखिए चार टमाटर की प्यूरी मैंने बनाई थी और मैंने डालकर इसे बढ़िया तरीके से मिक्स करना है। ये देखिए, तो जैसे ही प्यूरी से तेल अलग होने लगेगा यानी प्यूरी पक जाएगी, हम इसमें लहसुन डालेंगे और कुछ और बाकी के मसाले, इसे लगातार चलाते हुए पकाना है। तो ग्रेवी देखिए बढ़िया तरीके से तेल हल्का हल्का छोड़ने लगा है, तो अब बारी है इसमें और क्या जाएगा, पहले इसे ढक देता हूँ, और जाएगा क्या, तो नमकीन जाएगी, नमकीन नॉर्मल नमकीन जो होती है वो मैंने डाल ली है, और इसी ग्रेवी वाले जिसमें मैंने टमाटर की प्यूरी बनाई थी उसी में थोड़ा सा पानी और नमकीन डालकर मैं इसे भी प्यूरी बना लेता हूँ, पीस लेता हूँ। आप चाहें तो सूखी नमकीन को भी पीस कर उसका पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए बढ़िया प्यूरी बढ़िया तरीके से पक चुकी है। अब देखिए इसमें क्या क्या जाएगा, तो कुछ मसाले जो कि रह गए हैं, जैसे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये मैंने ऐड कर दिया इसमें, एक बड़ा चम्मच लिया है, एक टेबल स्पून। ऐसे ही एक टेबल स्पून मैंने धनिया पाउडर लिया है, ये भी ऐड कर दिया इसमें, थोड़ा सा और ऐड कर रहा हूँ। अब इस पर डालेंगे लहसुन, ये देखिए लहसुन चली गई, लहसुन डालने के बाद मैं डाल रहा हूँ इसमें ये नमकीन जो प्यूरी बना ली है नमकीन की, ये इसमें डाल रहा हूँ, थोड़ी सी धनिया पत्ती पहले डाल रहे हैं, ये कर लिया डाल लिया, और इसे मिक्स करते हैं, पहले हल्का सा मिक्स करेंगे। नमकीन डालने से क्या होगा कि प्यूरी जो है वो गाढ़ी हो जाएगी और जो चटपटा स्वाद है वो भी बरकरार रहेगा, तो इसलिए मैंने नमकीन डाल दिया है। आप चाहें तो बेसन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें, और क्या जाएगा इसमें अभी देख लीजिए, पानी जाएगा, मैंने ये आधा कप पानी इसमें डाल दिया है, ये बढ़िया तरीके से मिक्स करेंगे। हाँ, लहसुन की सब्जी का स्वाद बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी जो मसाला है वो है पाव भाजी मसाला, एक चम्मच पाव भाजी मसाला मैं इसमें डाल रहा हूँ ताकि जो सब्जी का स्वाद है वो और बढ़ जाए, लजीज लगे। तो ये लीजिए एक चम्मच मसाला डाल दिया, पाव भाजी मसाला गया इसमें, बहुत शानदार सब्जी बनने वाली है, आप देखते जाइए। ढक देते हैं 3 मिनट, ढक कर मीडियम आंच पर और पकाते हैं। तो 3 मिनट हो चुके हैं, सब्जी लहसुन की सब्जी पक चुकी है, बढ़िया हो चुकी है। इसका स्वाद बढ़ाने के लिए मैंने क्या किया है, थोड़ा सा जीरा पाउडर और थोड़ा सा चाट मसाला भी इस पर डाल दिया है। ढक्कन खोला, खुशबू बहुत शानदार लग रही है, थोड़ा सा धनिया। अब बारी है इसे प्लेट पर डालने की, बढ़िया तरीके से और प्रेजेंट करने की। तो लीजिए बढ़िया लहसुन की टेस्टी सब्जी बनकर तैयार है, थोड़ा सा और धनिया है मेरे पास तो मैं इसे गार्निश कर दे रहा हूँ। तो ये बन गई शानदार लहसुन की शानदार सब्जी। तो आप भी मेरी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और घर पर बनाइए ऐसी ही लहसुन की लजीज टेस्टी मज़ेदार सब्जी, ठंड में बहुत बढ़िया लगेगी, आपको सेहतमंद भी लगेगी। और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर भी कर दीजिए। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए, और ऐसी ही लजीज हटकर बनने वाली
रेसिपीज के लिए बने रहिए पकवान गली के साथ।